सो ही दे बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक एट अगेन विद द न्यू वीडियो। गाइज आप में से बहुत से बंदे मुझे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्या कभी सेरेना एंड मिस्टी मिल पाएंगे। सो गाइज देखो, पोकेमोन जर्नीज में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाया, पोकेमोन जर्नीज पूरी खत्म हो गई, लेकिन पोकेमोन की जो 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर जो होने वाला गाइज वो होगा। यानी गाइज 11 एपिसोड की सीरीज के अंदर सेरेना एंड मिस्टी एक दूसरे से मिलने वाली है। एंड गाइज ये कन्फर्म है, हमें कोई हवा में तीर नहीं चल रहा, मतलब ये कन्फर्म ही है। मतलब वहाँ पे जो है हमें देखने को मिलेगी उन दोनों की जो है मतलब कन्वर्सेशन देखने को मिलने वाली, यानी कि सेरेना एंड मिस्टी एक दूसरे से मिलने वाले हैं। सो गाइस एग्जैक्टली कैसे, जो कि मैं आपको बताता हूं। तो गाइस एपिसोड 2 के अंदर यानी कि M2B पोकेमोन मास्टर के एपिसोड 2 के अंदर मतलब जो है मिस्टी अपीयर होने वाली है, जिस एपिसोड के अंदर उनकी कुछ बैटल होगी। एंड उसके बाद जो एपिसोड 3 है जिसके अंदर ब्रॉक अपीयर होने वाला है एंड साइलेंट अपीयर होगा, उसके अंदर मुझे नहीं पता शायद यूनोवा रीजन में जाए फिर किसी और रीजन में जाए, लेकिन उस एपिसोड के समरी में लिखा है कि उस एपिसोड के अंदर मिस्टी भी होने वाली है। यानी कि एपिसोड 2 में जब ऐश एंड मिस्टी मिलेंगे उसके बाद वो दोनों साथ में आगे ट्रैवल करने वाले हैं, इसीलिए M2B पोकेमोन मास्टर के एपिसोड 3 के समरी के अंदर वो दिख रही है कि वो भी जो है जब ब्रॉक किडनैप होगा तो वो भी ढूंढने में मदद करने वाले। यानी कि गाइस इसके बाद जो है मिस्टी ऐश के साथ ट्रैवल करने वाली है इन 11 एपिसोड्स में, एंड मुझे लगता है गाइस ब्रॉक भी करेगा। सो यार ये उन्होंने ओरिजिनल ट्रायो को वापस एक साथ लाया है, वापस से उन्हें एक मतलब एक साथ जर्नी करवाएंगे। एंड गाइस जैसे ही गाइस जो है मतलब हमने देखा एपिसोड 4 के अंदर जो है ऐश जाने वाला यूनोवा रीजन, जिस एपिसोड के अंदर आयरिस मतलब जो है अपीयर होने वाली है, तो उसके बाद मुझे लगता है गाइस ऐश कैलोस रीजन भी जाएगा जहां पे उसके साथ तो मिस्टी होगी। एंड गाइस कैलोस रीजन में मुझे लगता है गाइस वो जरूर से मिलेगा सेरेना। हर रीजन में जो गाइस जो जिस रीजन में ऐश ट्रैवल करने वाला है वो अपने पुराने कंपेनियंस राइवल से मिलने वाला है, तो वो उसके साथ जो ब्रॉक एंड मिस्टी होंगे। एंड जब वो कैलोस रीजन जाएगा गाइस वो 100% यानी कि 200% गाइस वो मिलने वाला है सेरेना से। सो गाइस यहां पे हमें सेरेना एंड मिस्टी के बीच में कन्वर्सेशन देखने को मिलने वाला है, बिकॉज वो चारों मिलेंगे तो सिर्फ ऐश एंड सेरेना बात थोड़ी ना करेंगे, मिस्टी भी बात करेंगे। एंड मे बी हो सकता है गाइस वो जो सीन है जो कि कैलोस रीजन के एंडिंग में हुआ था जब जो है सेरेना ने ऐश को कन्फेस कर दिया था, शायद उसका जवाब भी मिल जाए उस एपिसोड के अंदर, वो भी वहां पे मिस्टी भी होगी तो मजा आएगा। एंड गाइस मैं पर्सनली देखना चाहूंगा कि उस एपिसोड में होगा क्या जब मिस्टी ऐश एंड सेरेना आमने सामने आएंगे। सो या दैट्स इट, आपके ओपिनियंस इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना, मेरे पास इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।